हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती गोरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 10 बजे से, और अभी नाश्ता कर दिया है सभी ने और घर के सभी काम भी निपट गए हैं। और कल थी बहुत तेज बारिश, रात भर बारिश थी, लेकिन आज देखो मौसम बिल्कुल तेज धूप आ गई है और आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन जब पहाड़ है ना इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। आज देखो बिल्कुल पहाड़ों का नजारा देखने लायक हो रहा है यहाँ से। एक एक पेड़ पौधे, पहाड़ साफ दिख रहे हैं क्लियर, और नीचे खेतों की हरियाली बहुत सुंदर लग रही है, और बादल देखो पहाड़ों तक आए हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, घर के सभी काम भी निपट गए हैं, नाश्ता भी हो ही गया है, बस अब बाहर की सफाई बची है, क्योंकि बाहर पूरी मिट्टी बहुत ही मतलब गंदगी धूल धकड़ आई हुई है, तो कीचड़ कीचड़ हो रहा बाहर। तो चलते हैं सफाई करते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है, यहाँ कौन नहा रहा है बाहर पे? ओहो, यहीं पे मिला नहाने के लिए? नवनी फिर आज मैं बाहर पे नहाऊंगा। तो नवनी ने ये चैलेंज लिया कि मैं बाहर पे नहाऊंगा आज करके, तो यहाँ धूप में बाहर पे नहा रहा है, क्योंकि कल रात भर बारिश थी तो कितना कीचड़ कीचड़ हो गया है इधर बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों कल एकदम से इन्वर्टर पता नहीं क्या हो गया, हमारा चार्ज ही नहीं हो रहा है, इन्वर्टर भी खराब, और अभी हम लाइट आई बाहर सफाई करने के लिए, मोटर ऑन करा, मोटर भी ऑन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ ये? मोटर पानी दे, मोटर के अंदर पानी है, ये पन्नी से ढका तो था, वो इन्वर्टर तो चार्ज होने लग गया है। मोटर भी उखाड़ के यहाँ पे रख दिया है, तो मोटर का कुछ खराब हो चुका है तो मोटर भी सही करने के लिए गया है। तो एक ही दिन ये सब होना था, इन्वर्टर मोटर एक ही दिन खराब होना था सभी को। तो यहाँ पे था इन्वर्टर मोटर, तो यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे रख दिया है। तो अभी कुछ सब लेने गए हैं, इसमें पानी घुस गया था इसलिए खराब हो गया अभी। तो दोस्तों फाइनली इन्वर्टर सही हो चुका है, और उसमें ऐसा हो रहा था कि मतलब सब चीजें इन्वर्टर से चल रही थी, यहाँ तक कि फ्रिज भी इन्वर्टर से चल रहा था, इसलिए उसकी बैटरी लो हो जा रही थी, तो बंद हो जा रही थी, जैसी लाइट जा रही थी पूरा बंद हो जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से लाइन सही कर दी है, और अभी मोटर तो इन्वर्टर तो सही हो गया है, बस मोटर खराब हो गया है। हेलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, और हम अपने घर से कुछ दूर आ गए हैं, कुछ काम से आए थे हम, इस वजह से हम यहाँ आ रखे हैं। अभी यहाँ से मकान भी बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों दिन के 2:30 बज चुके हैं और खाना पीना भी हो ही गया है, और खाना पीना खा के मैं आई हूँ बाहर पे टहलने के लिए, क्योंकि हमारे शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, तो साथ साथ शॉर्ट्स भी बन रहे हैं और बाहर मौसम के भी मजे ले रहे हैं। और मौसम जो है बढ़िया हो गया है, क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं आसमान में, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है ज्यादा, तो धूप नहीं लग रही है ना गुन्नू, धूप नहीं लग रही है, अभी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए गुन्नू भी बाहर आ गई है। तो बाकी दोस्तों थोड़ा नुकसान भी हो ही गया है, सब मोटर की वजह से हुआ हो, क्योंकि मोटर तो मैंने ढका था फिर भी पानी चले गया है उसमें, और वहीं से तार पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ क्या हुआ, पूरी लाइन ही खराब हो गई, तो बड़ी मुश्किल से ठीक तो हो गया है, लेकिन मोटर गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मोटर शायद नया लाना पड़ेगा, तो जो भी है देखते हैं, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो नया लाना पड़ेगा। और नवनीत ये गुड्डा पकड़ के कहाँ जा रहा है, गुड्डे के साथ खेल रहा है आपका गुड्डा? मिट्टी सर में मिट्टी, ये दोनों में लड़ाई हो चुकी है, छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है इन दोनों में, नहीं फेंकना खेत में। देखो देखो घास कितनी बड़ी हो गई है, ये उधर को तो और भी बड़ी हो गई, अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही है, इसकी पत्तियां काफी अच्छी लग रही है। दोनों चैलेंज करोगी आज भी? चैलेंज कल तो गुस्सा हो गए थे आप बहुत ज्यादा, अरे इतना गुस्सा हो गई थी गुन्नू, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा, और कह रही है आज और चैलेंज वीडियो बनाते हैं। ये लोग शायद जाने लगे हैं दुकान में, कहाँ जा रहे हो आओ जी, कहाँ लेने जा रहे, क्या क्या खिलाने जा रहे हैं आपको, चीज चीज लेने हैं?
तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है आसमान आज बादलों से ढका हुआ। कहीं कहीं पे बादल, कहीं कहीं पे साफ बिल्कुल सफेद वाले बादल लगे हैं। अरे बाप रे कितनी सारी चीजें मिल गई आज रे, क्या क्या दिलाया, क्या क्या आइसक्रीम भी है, किटकैट। ये देखो अदला बदली हो रही है, अलग अलग फ्लेवर टेस्ट किया जा रहा है। तो गुन्नू के पास है चॉकलेट केक और आपके पास है वेनिला फ्रूट्स, फ्रूट्स वाला है। नवनीत के पास फ्रूट्स, गुन्नू के पास चॉकलेट। तो गुन्नू आपको चॉकलेट वाला अच्छा लग रहा है फिर ये फ्रूट्स वाला, फ्रूट्स तो चॉकलेट वाला क्यों आया यार? तो गुन्नू भी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो भावे से फाइलों का काम कर रहा था, देखो सारा डेकोरेशन करने के लिए मेरे लिए छोड़ा है इसने कि आप करोगे डेकोरेशन, जो भी हेडिंग लिखनी है बड़े बड़े शब्दों में स्केच पेन से, तो कह रहा है कि आप करोगे करके इसने मेरे सर रखा है। इसने खाली बस फाइल सिंपल लिख दिया है बस, बाकी मेरे को बोल रहा करो करके। तो दोस्तों आज है नया दिन, तो ब्लॉग के एंडिंग में नए दिन में कर रही हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नई हमारी फैमिली से जुड़े हैं वो प्लीज लाइक जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।